हे एवरीबॉडी, आज मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ बाइट्स रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही सिंपल है और इसकी एक खास बात मैं बताऊँ, इसमें जो इंग्रेडिएंट्स मिलाए हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं। कोई आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मैं आपको इसमें बहुत सारी खास बातें बताने वाली हूँ इस बाइट्स के बारे में। और आपको ये बाइट्स कैसी लगी ज़रूर बताना कॉमेंट्स में, जरूर बना के देखिए, क्योंकि अब होली आने वाली है कुछ ही दिनों बाद, तो आपने जरूर ट्राई करना कि बहुत सिंपल रेसिपी है। इसके लिए आपको दो उबले हुए आलू लेना होगा, आप जितने बनाना चाह रहे हो ना उतने ले लेना। मैं आपको दो आलू का बता रही हूँ क्योंकि दो आलू के अगर बनाते ना तो लगभग 8 से 10 लोगों को तो आराम से ही ये मिल जाते हैं। ऐसा नहीं कि झगड़ा वगैरह हो रहा है, इसको नहीं मिल रहा है उसको नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ होता नहीं है, सबको मिल जाएंगे। अगर आप दो बड़े साइज के बॉइल्ड आलू ले लेंगे ना और उसका बनाएंगे ना तो सबको मिल जाएंगे। तो इसे क्या करना होगा, आपको बारीक वाले ग्रेटर से अच्छे से ग्रेट करना होगा। बारीक वाला ग्रेटर मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि इससे ना आपको बाद में दिक्कत नहीं होगी, कम मेहनत में आप आराम से इसे बना लोगे, ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आजकल के हर लोग बहुत ज़्यादा लेजी होते जा रहे हैं, तो इसलिए मैं आपके लिए भी ये सॉल्यूशन बता रही हूँ कि आप बारीक वाला ग्रेटर ले लेना तो आपको बाद में ज़्यादा समय नहीं लगेगा इस प्रकार की रेसिपी बनाने के लिए। ये मैंने दोनों आलू को ग्रेट कर लिया है और यहाँ पे लिया है मैंने अमूल चीज़ बाइट। मैं आपको एक खास बात बताने जा रही हूँ कि इसे सब लोग बहुत गलत तरीके से ओपन करते हैं, आपको है ना कुछ इस तरीके से ओपन करना चाहिए। वो इसलिए इसमें जो आप जो ब्लू कलर की जो इंक देख रहे हैं ना, वो हाथ में लग जाती है और वो इंक है ना इस चीज़ बाइट में लग जाती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होती है। तो आप इस प्रकार से खोलना, जब भी आप चीज़ बाइट लेकर आएँ अमूल चीज़ बाइट, तो आप इस तरीके से ओपन करना। देखो बिल्कुल भी इंक नहीं लगी है इस क्यूब में, आपने ध्यान से देखा हो कितने वाइट लग रहा है ये। और इसी को भी मैं उसी ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे, बारीक कद्दूकस कर लेंगे इस चीज़ को जिससे हमने आलू को किया था। और एक खास बात बताऊँ, और इसकी बहुत अच्छी बात ये है कि जब हम चीज़ ग्रेट करते ना तो बहुत मज़ा आता है, क्योंकि इतना सॉफ्ट होता है चीज़, इसे ग्रेट करना बहुत ही अच्छा लगता है। एक बार आप जब चीज़ ग्रेट करें ना तो नोटिस करना कि कितना अच्छा लग रहा है और कितना अच्छा लगता है, कितना प्यारा नज़र आ रहा है ये चीज़ ग्रेट करने के बाद, कितना टेस्टी लग रहा है। अब आपको इसमें मैं कुछ इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी, यानी कि मसाले बताऊंगी जो आपको मिलाना होगा इस चीज़ बाइट में, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी फ्लेवर देंगे इस चीज़ बाइट में। ये मैंने ओरिगेनो लिया है जो मेरे यहाँ मिल रहा है लोकल मार्केट में, मैंने वही परचेज किया है। ये मुझे मिला है 20 ग्राम मिला है 80 रुपये का। आपके यहाँ जो भी मिलता हो, जो आपको इजीली मिल रहा हो, आराम से मिल रहा हो, आपने वही परचेज करना। ज़रूरी नहीं कि जो मैं आपको बता रही हूँ आप वही वाला ढूंढे मार्केट में और ढूंढने में समय लगा दें। और इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट ज़रूर देख के लेकर आए, ये अगस्त 2018 का है, इससे ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, लगभग 4-5 महीने पुराना हो तो चल जाता है। और इसकी बॉक्स की जो ओपन रहता है ना, वो कुछ इस तरीके का होता है। मैंने इसे खोल लिया है, यहाँ पे ट्रायंगल का बना हुआ था, पेक था, तो मैंने उसे चाकू की हेल्प से इसे थोड़ा सा मैंने दबाया तो ये ऐसा इस ट्रायंगल तरीके का इसमें छेद हो चुका है। तो इसमें मैं तीन तरीके के इसमें होल दिए हुए हैं, बारीक वाले, मोटे वाले और ये बड़ा ट्रायंगल शेप। तो मैं बड़ा वाला ले लेती हूँ ताकि इससे बहुत जल्दी होगा निकलना। तो यहाँ पे ओरिगेनो ले लिया है और इसे ज़्यादा नहीं लेना है, आपको थोड़ा सा ही लेना है, एक चुटकी नहीं तो बहुत ज़्यादा फ्लेवर आएगा। और ये चिली फ्लेक्स है, इसे भी मैंने घर पे बनाया है और ये ज़्यादा नहीं ले रही हूँ क्योंकि मेरे पास जो चिली फ्लेक्स है ना वो बहुत ज़्यादा तीखी है, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा ही लिया है। और आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हो तो आप हरी मिर्ची भी ले लेना, मैं तो नहीं ले रही क्योंकि चिली फ्लेक्स बहुत ज़्यादा तीखी है, स्पाइसी है। इसमें हरा धनिया और नमक मिला लेंगे, तो आपके हिसाब से हरा धनिया ज़रूर मिलाना क्योंकि बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। और ये लिया है मैंने यहाँ पे मक्की का आटा, आपको इजीली मिलेगा मार्केट में, आजकल तो पैकेट मिलने लग गए हैं रेडीमेड, घर पे नहीं बन पा रहा है आपसे तो आप रेडीमेड पैकेट लेकर आ सकते हैं, इजीली मिल जाएगा। और आपको नहीं मिले ना मार्केट में भी तो आपने क्या करना, इसकी जगह बेसन ले लेना, क्योंकि हमें ये इसलिए मिला रहा है ताकि आलू में जितना भी पानी है ना वो ये आटा एब्जॉर्ब कर ले, बस यही पर्पस रहता है मिलाने का आटा, और कोई बात नहीं होती है। स्वाद तो वही मिलेगा, अगर आप बेसन भी मिला लेंगे ना तो वही टेस्ट मिलेगा जो आप मक्की के आटा मिला के बनाएंगे, तो स्वाद में कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर आपको मिले तो आपने ज़रूर मिलाना मक्की का आटा, अदरवाइज आप आराम से बेसन मिलाइए, क्योंकि बेसन तो बहुत जल्दी मिल जाता है घर पे, तो होता ही है क्योंकि आए दिन हम इसमें भजिए पकौड़े बनाते रहते हैं, चीले बना लेते हैं। और मैं इसमें आपको एक चीज़ और बताऊँगी कि इसमें हमें ब्रेड क्रम्स मिलाना है, यहाँ पर मैंने ऑयल से कोटिंग करके रख दिया है
थोड़ी देर के लिए। और आपको ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए आपको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करना होगा। यहाँ पे मैंने ब्रेड स्लाइस लिए, ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे मैं अपनी मम्मी की हेल्प ले रही हूँ। और इस प्रकार से आप हाथों से क्रश करेंगे ना, तो ब्रेड क्रम्स बिना मिक्सर ग्राइंडर से इजीली बन जाएगा। आपने एक बार जरूर ट्राई करना, बहुत ही सिंपल तरीका होता है। सब लोग बताते हैं कि मिक्सर ग्राइंडर बहुत ज़्यादा तामझाम होता है, उसे वॉश करना पड़ता है यूज़ करने के बाद, और बहुत ज़्यादा मेहनत बढ़ जाती है। अगर आप थोड़े लेजी हैं ना, तो इस प्रकार से कर सकते हैं, बहुत जल्दी बन जाता है चुटकियों में। आप देख सकते हैं ये ब्रेड क्रम्स बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए कितने बढ़िया बन गए, मैं आपको कितने नज़दीक से बता रही हूँ, लगता नहीं है कि हमने हाथों से इसे बनाया है। और इसे भी हम दो ब्रेड स्लाइस लिए मैंने ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए, तो अब दोनों ब्रेड स्लाइस लेना है आपको इस पेस्ट में मिलाने के लिए, जो हमने आलू का जो पेस्ट बनाया ना बाइट्स के लिए, चीज़ बाइट्स बनाने के लिए, तो उसमें आपको ब्रेड क्रम्स मिला लेना है और उसे मिक्स कर लेना। अब आप देख सकते हो कि ये जो डो है कितना ज़्यादा सख्त हो चुका है, यानी कि जितना भी पानी था सारा एब्जॉर्ब कर लिया है ब्रेड ने। अब आपको क्या करना होगा, आपने देखा होगा कि हाथ में ये चिपक रहा था, तो मैं अब क्या करूँगी, थोड़ा सा ऑयल हाथ में कोट कर लूँगी, ताकि हम इसकी बाइट्स बनाएं ना तो हाथ में बिल्कुल भी नहीं चिपके और हमें दिक्कत ना हो बनाने में। तो इसलिए मैंने हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है, और इसे जैसा आप चाह रहे हो शेप वैसा दे सकते हो। मैं इसे थोड़ा सा रेक्टेंगुलर शेप देना चाह रही हूँ, जो मार्केट में मिलते हैं ना कुछ इस प्रकार के नज़र आएंगे। कभी कभी हम कुछ चीज़ अच्छी तरीके से प्रेजेंट करें ना, उसका अच्छा सा शेप देना, तो दिखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी ज़्यादा मन होता है कुछ भी चीज़ इस प्रकार के खाने के लिए। तो इसलिए मैं कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग या अट्रैक्टिव शेप दे रही हूँ इस बाइट का, चीज़ बाइट का। आपको जो भी सिंपल लगे ना, आप वही बनाना, ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा बनाएं, वैसे आप बना सकते हैं, क्योंकि कोशिश करने में तो बहुत सारी नई नई चीज़ें बन जाती हैं। अगर आप कोशिश करेंगे तो हो सकता है आप मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत चीज़ बाइट बना ले, पता भी नहीं चलता कि हम कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें कलाकारी दिखा देते हैं किचन में। तो आप बना सकते हैं जैसा आपको सुविधा लगे। मैं आपको एक और तरीका बता रही हूँ, आप सिंपल सा तरीका है, ये वही वाला शेप है, बस आपको तरीका बता रही हूँ मैं अलग अलग तरीके से। मैंने कहा ना, आप जैसा आप अगर आप बनाएंगे ना जब, तो आप शायद मेरे से भी अच्छा बहुत बढ़िया कुछ इंटरेस्टिंग या अट्रैक्टिव शेप बना लेंगे, जो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएगा, आपको प्रेजेंटेशन करने में भी बहुत अच्छा लगेगा। किसी किसी कभी कभी कॉम्पिटिशन होता है स्कूल या कॉलेज में, तो कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग रेसिपी बनाने का मिलता है मौका, तो आप इस प्रकार की रेसिपी बना सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की तो ज़रूरत पड़ती नहीं है। सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स तो इसमें आलू है, जो सबको पसंद आ जाता है और मिलने में तो आसानी से मिल जाता है, कहीं भी मिल जाता है। तो इस प्रकार से मैंने इसमें बाइट्स बना ली है, अभी फ़िलहाल इतनी बनाई है आपको बताने के लिए, मैंने बाद में और बनाई थी सभी डो की। अब आपको क्या करना होगा, इसे फ्राई करना होगा। यहाँ पे मेरा गलती हो गई, वो मैं आपको बताऊंगी कि आप वो गलती ना कर बैठे, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आप भी नुकसान, आपके हाथ भी कुछ नुकसान हो जाए। तो आपको क्या करना है कि तेल को पहले हाई टेम्परेचर पे गर्म कर लेना होगा, और जब आप बाइट्स को तेल में डालें ना, तो टेम्परेचर लो टू मीडियम पे कर देना होगा। इससे क्या होगा कि बाइट्स में ज़्यादा गोल्डन कलर नहीं आएगा, नॉर्मल एकदम सिंपल कलर नज़र आएगा। तो मैंने यहाँ पे मेरे हाथ मिस्टेक ये हो गई कि मैं इसका टेम्परेचर डाउन करना भूल गई थी, क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रही थी वीडियो, तो इस दौरान मैं टेम्परेचर कम, गैस का टेम्परेचर कम नहीं कर पाई, तो इस वजह से ही इसका कलर इतना ज़्यादा डार्क हो चुका है। वैसे आपने क्या करना है, पहले तेल को अच्छे से हाई टेम्परेचर पे गर्म कर लेना, और जब आप बाइट्स को डालें ना तेल में, तो टेम्परेचर को लो भी कर सकते हैं या लो टू मीडियम कर देना। तो इससे क्या होगा कि बहुत अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएगी, अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाएंगे आलू की बाइट्स, और बाहर बहुत सुनहरा कलर आएगा, यानी कि बहुत खूबसूरत सा कलर आएगा, यानी कि गोल्डन कलर आएगा, ऐसा ब्राउन कलर बिल्कुल नहीं होगा अगर आप इस तरीके से आप फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या भूल गई थी, इस कारण से इसका कलर इतना ज़्यादा डार्क नज़र आ रहा है। वैसे ये बहुत सुंदर लग रहे हैं, फिर भी मैं एक बैच और फ्राई कर रही हूँ। इसे आप एक एक दो दो बैच में ही फ्राई करना, एक बार में 10-12 बाइट्स ना मतलब मत डाल देना, नहीं तो क्या होगा आप मैनेज नहीं कर पाओगे, जिस वजह से ये ज़्यादा फ्राई हो जाएगी, यानी कि ओवर फ्राई हो जाएगी, और टेस्ट भी इसका थोड़ा सा बर्न हो जाता है। तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि आप थोड़ा थोड़ा बैचेस में फ्राई करें बाइट्स को, तो टेस्ट भी बरकरार रहेगा और कलर भी बहुत सुंदर आएगा। आप देख सकते हैं ये ज़्यादा डार्क हो चुकी है, क्योंकि मेरा ध्यान थोड़ा वीडियो शूट करने में था, इसलिए मैं टेम्परेचर मैनेज नहीं कर पाई। तो आपने ज़रूर इस बात का ध्यान देना। अब आपको मैं बताती हूँ कितनी बढ़िया लग रही है, ये कितना अच्छा कलर आया है इन बाइट्स का, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, क्योंकि इसमें हमने तो चीज़ डाला है, और चीज़ की चीज़ तो हर
मतलब चीज को चार चांद लगा देती है, स्वाद में भी और इसका लुक में भी। इसलिए चीज़ तो आप हर रेसिपी में मिलाएं, बहुत बढ़िया लगता है। और आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, और मेरे साथ नीचे कमेंट्स करना ज़रूर, क्योंकि मुझे भी पता चले कि आपको ये रेसिपी पसंद आई है या नहीं। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ इस प्रकार की रेसिपी के साथ और इंटरेस्टिंग रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, ये रेसिपी बना के ज़रूर देखना। गुड बाय।